क्रैश क्रैश हो गया, क्रैश आगे निकालो तुम। गुड मॉर्निंग फ्रॉम TVS एज यूजुअल हमेशा की तरह फ्रॉम TVS ओखला। और अभी जस्ट प्लानिंग चल रही है यहाँ पर ओवरनाइट की, और ओवरनाइट के हिसाब से अभी जस्ट यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है। यहाँ पर इधर ये साइड नोटरी वगैरह भी, इधर देखिए इधर नोटरी वगैरह भी सब साइन हो रही है, सबके फोटो लिए जा रहे हैं, आधार कार्ड और वगैरह वगैरह डिटेल्स वगैरह सब फुलफिल करके, ताकि किसी भी राइडर्स को किसी भी तरीके की कोई रिस्क ना उठाना पड़े। तो पूरी सिक्योरिटी के साथ पे अभी सब काम धाम सब चल रहा है यहाँ पर। जब तक जब ब्रीफिंग होती है तब मिलता हूँ आपसे। तो अपनी इस राइड की शुरुआत करते हैं अपनी एज यूजुअल टैगलाइन के साथ में, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कुछ बोल भी सकता है, आपको जैकेट पहननी आनी चाहिए, ये टाइप कर लिए सबने जिनकी जैकेट्स में आपकी। हाँ मतलब ये टाइप का मतलब ये होता है कि आपने डोरा यूज किया और टाइप कर लिया, यानी इतना ही रहना चाहिए। ये नहीं कि ये पूरी जैकेट यूज घूम रही, क्योंकि यहाँ पे भी गार्ड है, यहाँ पे भी गार्ड है, आपके शोल्डर पे भी गार्ड है। जैकेट फिट नहीं होगी तो आपके गार्ड आपको सेफ। अपनी कंटिन्यू हो चुकी है और ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। और अभी सिंगल फॉर्मेशन का इशारा है और थोड़ा सा रश है, थोड़ा सा ट्रैफिक है, अभी थोड़ा हाईवे पे निकलते हैं, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तब तक बने रहिए मेरे साथ में, काफ़ी इंटरेस्टिंग राइड होने वाली है ये। धीरे धीरे सरकते हुए दिल्ली से बाहर निकल रहे हैं और गुड़गांव की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, और वेदर क्या फोगी फोगी हो रहा है, और सामने को सूरज मामू भी ठीक ठाक बस दिख ही रहे हैं, बाकी धूप नहीं डाल पा रहे। पूरा जो वेदर है पूरा फोगी फोगी टाइप का है, और धीरे धीरे अपना लाइनअप जो है वो एकजुट होते हुए। फिर हम गुड़गांव क्रॉस कर चुके हैं, यहाँ है बसंत ढाबा। बसंत ढाबा पर अभी थोड़ा सा चाय पानी नाश्ता, सुबह से खाली पेट है यहाँ, थोड़ा बहुत खाना वाना खाते हैं और यहाँ पर अपनी बाइक्स वगैरह जो है पार्क हो रही हैं। पता नहीं क्या चखना पड़ेगा, समझ में आया नहीं हमारे क्या चखना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट ओवर हो चुका है बसंत ढाबा पर, और इधर की साइड में भी फोटोशूट चल रहा है, लाइनअप बोले तो काइंड ऑफ चल रहा है और सही है एकदम हिसाब किताब। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है आज, प्रॉपर शूट हो ही नहीं पा रहा जैसा अपने को चाहिए, ऐसा शूट हो ही नहीं पा रहा। और कुछ इस बार TVS की तरफ से भी कुछ ऑफिशियली शूट है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हैं अपने ऊपर, वरना मैं राइड का प्रॉपर व्यू दिखाता आपको। काफ़ी लग क्या ही गजब लग रहा है, क्या ही प्यारा लग रहा है। क्रैश क्रैश हो गया, क्रैश आगे निकालो तुम, आगे निकालो, आगे ले लो। मेरा ये टूट गया, उठाओ उठाओ पहले उठाओ। स्टैंड लगा हुआ है। तो भाई फाइनली हम अपन की बाइक का क्या बोलते हैं इसको, फुट पैड, वो टूट गया। फुट पैड यहाँ से टूट गया, एक के पीछे बाइक, एक के पीछे बाइक, एक के पीछे बाइक, धड़म 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 एक दूसरे से लड़ाते गए। मैंने कंट्रोल कर लिया, आगे जगत भाई ने कंट्रोल कर ली, रोनिन वाला मेरा भाई था पीछे, उसने मारी मेरे में और मेरा हैप्पी बर्थडे मर गया। सो अभी शायद आगे है हमारे पास में इसका ऑप्शन, अभी देखते हैं आगे जाके कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकालते हैं। बाइक चला रहा हूँ मैं भी बिना फुट पैड के,
तो अभी देखते हैं आगे जाके कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा इसका, चेंज होना होगा तो चेंज हो जाएगा, देखते हैं क्या स्थिति निकलती है फाइनली जाके। छोटी मोटी चीज़ें राइड में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो मेरे पीछे वाला जो भाई था शायद उसको ब्रेक नहीं लगे, भाई साहब ने कर दिया कांड। सो गाइस ये होता है फ़ायदा AOG में राइड करने का। साथ में जो मैं बताता हूँ वो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के साथ में वो टूल किट मैकेनिकल सब कुछ उसमें होता है। तो मेरा फुटरेस्ट टूटा, अभी अवेलेबल तो नहीं है लेकिन मैकेनिक साथ में है तो अभी पीछे का निकाल के अभी फ़िलहाल आगे लगा देंगे, बाकी राइड कंप्लीट करने के बाद में इसको दोबारा से चेंज कर देंगे। तो अभी चलने दो कहानी, जैसे भी है अभी जैसे भी हो रहा है करने दो इसको। तो भाई फाइनली अभी जस्ट यहाँ पीछे वाला निकाल कर अभी यहाँ फिलहाल के लिए एडजस्टमेंट कर दिए ताकि पैर टिक जाए, बाकी लगवा लेंगे इसे, फिलहाल का काम हो गया अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं फटाफट से, अब लगाओ छलांग, आय शाबाश, चलो। फाइनली हम आ गए हैं बहरोर में, और इस टाइम हम लोग चल रहे हैं अभी अलवर रोड पर। सो अभी देखते हैं यहाँ से कितना और डिस्टेंस बाकी है, बाकी ठीक है, फुट पैक अपना लग गया है, अपने को कोई दिक्कत हो नहीं रही है, सेम एज़ यूजुअल जैसे पहले मेरे को फील हो रहा था ऐसे ही फील हो रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि जैसे पीछे वाला फुट पैक लगा हुआ है, बाकी क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी वाइल राइडिंग वाइल यू आर ऑन द रोड, ये देख रहे हैं ये छोटी मोटी चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी। फाइनली भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकल चुके हैं और एक पतली सी रोड पर आ चुके हैं, किसी गांव के बीच में है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी राजस्थान के हम गांव के बीच में से होकर निकल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा माहौल है चारों तरफ, आप देख सकते हैं अभी आई थिंक ज़्यादा नहीं है, मेरे हिसाब से बचा होगा 12 से 15 किलोमीटर के आसपास होगा डिस्टेंस, लेकिन वहाँ पर भी पहले फ़ोटोशूट होगा, देन उसके बाद में अंदर एंटर होंगे कहाँ पर, यानी कि फन ग्राम पर। बस अभी अपनी राइड को इसी एंजॉयमेंट के साथ करते हैं कंटिन्यू, और रास्ता थोड़ा सा काइंड ऑफ रोड कह सकते हैं इसे, प्योर ऑफ रोड नहीं है, काइंड ऑफ रोडिंग ऐसा कुछ करके आप बोल सकते हैं। बाकी माहौल आपके सामने दिख ही रहा है कितना सुंदर है चारों तरफ, इधर भी खेत वेत खलियान है, और अगर मैं इधर नज़र डालता हूँ तो इधर भी खेत खलियान है। तो बस यही कहानी चल रही है, अभी लग रहा है शायद कि हम लोग पहुंच गए हैं गांव के बीच में से गलियारों में से निकलते हुए, नरनौल करके एक गाँव पड़ता है जहां हमें जाना है, नरनौल कह लीजिए वहीं पे जो हमारी लोकेशन है वो है फन ग्राम, आई थिंक फार्म हाउस काइंड ऑफ है, जाकर पता लगेगा। बाकी रास्ता आप देख ही रहे हैं प्योरली एकदम गांव वाली फील है, धूल मिट्टी अच्छे वाली उड़ रही है, पतली पतली काइंड ऑफ पगडंडियों पे हम लोग चले जा रहे हैं, इधर भी खेत बीच में हम। फाइनली पहुंच चुके हैं
संग्राम हम लगाएंगे इधर और हो रहा है यहाँ पर ढोल से स्वागत। माय गॉड फाइनली मजा आ गया, एंट्री फाड़ एकदम मजा आ गया। अभी चलते हैं सीधा अंदर की तरफ, मेन गेट कुछ इस टाइप का है। स्वागत किया पूरी तैयारी, फटाफट से निकलते हैं बिना देर करे। स्वागत हुआ भाई, बहुत गजब। उतारते अपना लगेज अपनी बाइक से और फटाफट से चलते हैं अभी अंदर और देखते हैं क्या क्या सरप्राइजेस, क्या क्या एक्साइटमेंट बाकी है। अब तक क्या मिले हैं? अब तक क्या सरप्राइज मिले? अरे यार स्वागत इतना गजब हो गया, बनाते होगा स्वागत पान बाहर से हो गया। पर कमला पसंद से होना चाहिए। नहीं, बनाते हुए स्वागत पान बाहर से होता है। पराग पान पराग से, हाँ सॉरी पान पराग से, पान पराग से वो मैं भावनाओं में बह गया था। भाई लंच तैयार हो चुका है, 2:45 बजने वाले हैं। पता नहीं क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, इतनी ऐसा कुछ खास भूख तो है नहीं, पर दर्शन करा देते हैं आपको कि लंच में एक्चुअली क्या क्या अवेलेबल है, दिखाते हैं। हाँ है, सैलेड से शुरुआत करते हैं। क्या ये? अरे ये वो तुम्हारे लेग पीस चिकन, चिकन है इधर रहता है। इधर क्या है? कड़ी पकौड़ा? नहीं नहीं, तो पनीर है। पनीर, ये पनीर है काय का पनीर है? पनीर बटर मसाला, भिंडी मसाला, अच्छा लिखा हुआ है इधर, येलो दाल तड़का, इधर चावल, इधर रोटी और इधर पापड़। सो खाने में आपने देख लिया है, अभी देखते हैं क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, फटाफट से खाते हैं और मिलते हैं आपसे सीधा रूम में। पेट भरा होने के बाद में थोड़ा बहुत ले लिया खाना खाने के लिए, पता नहीं रात में कब खाना मिले तो अपना हल्का फुल्का बेस बना लेते हैं, शाम को फिर खाना देखेंगे क्या है। इनकी सुनो पहले, हाँ बताओ मसाला चाहिए? मसाला भाई जेब में है, सलाद में डालने के लिए। ये किसके? चार पाँच, पाँच हमारा है, चार गगन भाई का है। सो भाई फाइनली है हमारा डोम रूम, कुछ भी कह लीजिए, रूम टूर है कुछ इस टाइप से। और इधर की साइड से आपको दिखेगा सामने का ब्यूटीफुल नज़ारा, सामने रखी हुई है चेयर जिसके ऊपर आप ऐश कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। रूम एकदम कॉम्पैक्ट रूम टाइप है, कॉम्पैक्ट टाइप का रूम है और मतलब काफ़ी रूम अच्छा है, मतलब क्लीन है रूम। बाकी मेरे को तो अच्छा लगा, छत थोड़ा सा मतलब कर्वी शेप में है। इधर अलमीरा है, इधर हम हैं और इधर हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम में अंधेरा है फिलहाल, लेकिन हाँ क्लीन है, काफ़ी अच्छा है। तो ये है रूम, अपना हल्का फुल्का खाना जो भी खाना था खा लिया, आइसक्रीम वगैरह सब पेल दी, रूम हमने ले लिया और बस अभी हल्का फुल्का चेंज करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर निकलेंगे आगे। और इस प्रॉपर्टी का नज़ारा दिखाने वाला हूँ आपको ड्रोन शॉट के ज़रिए। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आएगा। और एक रिक्वेस्ट और है गाइस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। Bye.
आई होप कि आप लोगों को ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे। अभी चलते हैं, फिलहाल है तो थोड़ा सर्दी का माहौल, थोड़ा बहुत नहाते हैं हल्का फुल्का, फिर देखेंगे आगे की कार्रवाई क्या होती है, क्या करते हैं। सो नहा धो के हो चुके फिट, स्विमिंग पूल का आपने देख लिया नज़ारा, काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग। अभी है टी टाइम, चाय पीते हैं और सामने चल रही है अभी मेरे डीजे की तैयारी, यानी कि यहाँ पे होने वाला है ज़बरदस्त हुड़दंग और ज़बरदस्त मज़ा। तो अभी चलते हैं जस्ट टी ब्रेक के लिए, चाय वाय पीते हैं, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता लेते हैं, फिर देखते हैं शाम का क्या इंतज़ाम है। हाँ, दे दो कैमरा, दे दो अंदर दे दो, ये आ गया है इसमें, डाल दो माँ की कसम डाल दो। इन्होंने मेरी बहुत गालियाँ डाली है स्पीति वाले ब्लॉग में, सच पास वाले में, सब डाल दूंगा मैं। पकौड़े इसी में से ही खाएंगे। ब्रसिंग। तो भाई यहाँ पर हो चुका है फाइनली माहौल तैयार, किस चीज़ का पता नहीं, वो अभी थोड़ी देर में पता लगेगी। वैसे स्टेज अल्टीमेट लग रहा है और डेकोरेशन काफ़ी मतलब बढ़िया की हुई है, देख के अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि हम किसी पार्टी वाले माहौल में हैं। और यहाँ थोड़ी बहुत ऑडियंस भी बैठ चुकी है आके, और इधर नहीं दिखाना, किधर नहीं दिखाना, इधर नहीं दिखाना। लेकिन जब गगन पाजी बाइक के ऊपर होते हैं तो गगन पाजी होते हैं, और फिर आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या इनके कोई पुराने अगर इनके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड होंगे तो शायद किसी को बताओगे गगन ऐसा करता, तो कोई कह नहीं, हो ही नहीं सकता है, तो चुप रहता पूरे दिन। अशरफ अली वो तो आप हो। ये जवानी।
फाइनली हालत आप मेरी देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक और ऊपर से नीचे तक और ये है नीचे से ऊपर तक ये हालत है मेरी। यार हैप्पी बर्थडे ऐसे बोल विश करता है यार, तुमने तोते उड़ा दिए, मतलब मेरे यहाँ पूरा भरा पड़ा है मेरे भाई भाई ना 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 भाई इसमें सोना बैडमिनी भाई इसमें सोना है। तो ये मेरा हैप्पी बर्थडे मना है आज, ये कहते ना वो हैप्पी बर्थडे केक कलर जैसे बोलते हैं, असल में हैप्पी बर्थडे बना, वो मेरा हैप्पी बर्थडे बनाया वो। सो फटाफट से इसको साफ करते हैं और उसके बाद फ्रेश होकर मिलता हूँ आप लोगों को भाई, एक भाई के सामने को। सो गाइस फाइनली हो गई पार्टी भी, मन गया हैप्पी बर्थडे भी, केक पेक सब लगा के आपको मैं मतलब सोशलाइज ऐसे अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आपको बस बता नहीं सकता केक मेरे कहाँ कहाँ तक भरा गया है, वो बस आप इशारा समझ जाओ वो काफ़ी है। और इसके अलावा जस्ट अभी चल रहे हैं डिनर के लिए, हालांकि डिनर का मेरा इतना मूड है नहीं, देखते हैं कुछ डेजर्ट में कुछ अच्छा मीठा कुछ खाने को मिल जाए। आपको पता है भाई मीठा खाने का बहुत शौकीन है, खाने का नॉट मीठे का, खाने का शौकीन है खाली। तो जस्ट अभी देखते हैं खाने में मीठा क्या है, कुछ अगर हल्का फुल्का मन हुआ तो खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं
सीधा डिनर वाली टेबल पे आपको दिखा दूंगा डिनर में अवेलेबल क्या है, खाना या क्या ना क्या क्या नहीं खाना वो बताता हूँ। प्लेट आए क्या है? गुलाब जामुन ये रायता मिक्स रायता। ये क्या है? चिकन करी। चिकन करी अपने काम का नहीं है। ये बटर चिकन। ये बटर चिकन भी अपने काम का नहीं है। मजा आ गया। फ्राई पनीर। फ्राई पनीर। फ्राई पनीर। फ्राई पनीर मजा आया। तो डांस में मिक्स वेज दाल मखनी ठीक है। तो बड़ा कौन सा चावल है? इधर हो गया रोटी और इधर हो गया पापड़। और बताने वाले हमारे यहाँ पर भैया जी जिन्होंने हमें ये सारी रेसिपी डिफाइन की है। रेसिपी मतलब ये डिश डिफाइन की है। तो यहाँ पर अपने भाई लोग हैं वो सबके सब डिनर करते हुए। तो ऐसे जब ना कुछ खास मूड है नहीं खाने का तो हल्का फुल्का कुछ देखेंगे अगर देख पाए तो। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग फ्रॉम फनग्राम, मतलब अभी यही है फार्म हाउस पे। तो आज है डे टू, प्लान है कुछ इस टाइप का, क्योंकि एओजी की जो राइड है वो आई थिंक मतलब जो इवेंट था एओजी का ओवरनाइट इवेंट जिसमें हम लोगों ने आए हुए हैं यहाँ पर। शुरुआत करते हैं अपने दिन की अपनी एज यूजुअल टैग लाइन के साथ में, जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। सो एमएल जो है वो कुछ इस टाइप का है, देख सकते हैं यहाँ पर। रात को यहाँ पार्टी वार्टी चली थी, पूरा मज़ा आ गया था एकदम, एक नंबर भाई, बहुत सही मज़ा आया पूरा दबा के। अभी चलते हैं जस्ट ब्रेकफास्ट की ओर और ब्रेकफास्ट वगैरह को देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। सुबह से कुछ नहीं यार, चाय वाय भी नहीं पिया, तो जस्ट चलते हैं अभी वहाँ पर, देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। सो भाई फाइनली अभी जस्ट आ गए, अभी है गिफ्ट वितरण का टाइम, तो विदाई समारोह कह लो कुछ भी कह लो इस चीज़ को। बाकी जस्ट अभी ले रहे हैं यहाँ पर, बाकी का टूट चल रहा है, फिर हमारा नंबर भी आएगा। क्या बात है बन्नी भाई, क्या बात है बन्नी भाई, नहीं फालो वहाँ पे। अभी यहाँ पर जस्ट अपन को मिल चुका है यहाँ पर एक बैग, और साथ में है हमारे पास में यहाँ पर कीचेन, और साथ में हमारे पास में काइंड ऑफ बंच ऑफ स्टिकर। और ठीक है, ये स्टिकर का एक सेट मेरे पास और भी है, एक और हो गया, कभी इकट्ठा लगाएंगे इनको कहीं पे। और बस अभी जस्ट एक छोटा सा ग्रुप फोटो शूट होने वाला है, उसको कवर करते हैं और फिर देखते हैं आगे का क्या जर्नी स्टार्ट होने वाली है। सो भाई अब हो गया है गियर्ड अप होने का टाइम, लास्ट शूट, उसके बाद उड़न छू, फटाफट से निकलते हैं अभी आगे की ओर। सो ऑलरेडी टू रोल, और काफ़ी बढ़िया सीन, काफ़ी प्यारा सीन, गजब एकदम मज़ा आ गया, फटाफट से निकलते हैं अभी आगे। आ गए हमारे राजीव भाई पेट्रोल डला के, मानेसर की तरफ बढ़ते हुए हम बस अब फटाफट निकलते हैं घर की ओर, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग राइड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, मज़े लेते रहिए मेरी तरह। टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय, राइड एट राइड सेफ, बाय बाय।